बचाएगा ड्राइवर को, नींद भी आएगी अच्छे से, हर चीज का फायदा है। पूरा रोड खाली है, ड्राइवर कभी भी सो सकता है, फुल चांस है। जैसे तो ट्रक ट्रुक मार जाए ना भाई, हादसे का मतलब 20-30% एक्स्ट्रा हो। हाँ भाई है सर। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, होप सो आप सभी ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। इस वक्त है हम अभी जयपुर में, और आपने पिछले व्लॉग हमारे देखे होंगे। सो अब कुछ ऐसा प्लान बन रहा है कि हम निकल रहे हैं आज जोधपुर, क्योंकि यहाँ हम निकल लिए एक्सप्लोर, मतलब जितना हमने देखना था। हमारा मेन है मतलब ये जैसलमेर का, हम जिसलिए आए मतलब ऑफ रोड वगैरह करने के लिए। बाकी अब देखते हैं इसके बाद क्या बनता है। बाकी जोधपुर के लिए निकलते हैं अभी, तेल टूल यहाँ रुके थे पंप में, युगांतर का पेट खराब हो गया था गर्मी की वजह से। बाकी निकलते हैं, अब मोटा आ चुका है ड्राइविंग सीट पे। ओके मोटे, रथा है अपना पहला टूल टैक्स जोधपुर के लिए। कितना होगा भाई, यहाँ ट्रक ही बहुत है, ट्रक वालों ने दुखी कर दिया। चल भाई, सफ़र कंटिन्यू है हमारा जोधपुर तक, और इतने ट्रक्स है इस हाईवे पे, इतने ट्रक्स, ट्रक ही ट्रक, इन ट्रकों ने जान खा ली है। और ट्रक भी ऐसे बड़े बड़े ट्रक है ना, और यहाँ रोड का काम चला है इसलिए इतना ट्रैफिक है कि पूछो मत। बंदों के हालात हो चुके बिल्कुल, क्योंकि यहाँ थोड़ी गर्मी भी बढ़ चुकी है, जयपुर से ज़्यादा है यहाँ गर्मी। वो ये होती है टायर्स जो क्या ना, पत्थर से नहीं टायर लेते हैं ये, वो पत्थर उनको मशीन में जाके काटते, फिर जाके टायले बन जाती है। हमारे इतना कल अब इतनी गंदी चेकिंग की पूछो मत, लेकिन इलेक्शन है इसलिए हो रही, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, करो इतना चलेगा। पुलिस वाले मिलते हैं भाई, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है भाई। क्यों भाई यार, एक नंबर पुलिस है यहाँ की, एक नंबर। पूछ रहे थे ऊपर से कि शिमला में ठंड कैसी है, मैं कहा इतना तो पीक में नहीं होती हमारी गर्मी जितनी आपकी। युवा तो एक और गलती होगी, एक और क्लिप इससे बन गया, अब दे दूंगा तेरे को, चल इसे बना भाई ब्लॉग नहीं। हाँ चल इसे खींच लूंगा, पर मुझे वो चार पर क्लिप दे दूँ, चल ठीक है कोई चक्कर नहीं। बाकी निकलते हैं, सफर कंटिन्यू रखते हैं अपना आगे जगह जगह। सो भाई इस सनसेट के साथ हम पहुँचने वाले हैं अजमेर, और अजमेर के बाद भी बाकी रहता है 200 किलोमीटर, क्योंकि आज का स्टे हमारा जोधपुर में, और जोधपुर करेंगे एक्सप्लोर। अगर अजमेर में हम वापसी में अगर रहा बजट रुक जाएंगे, मैं ही रात हूँ वापस अपने घर कहते यहाँ पे तेल ढाने के लिए, अजमेर से आगे थोड़ा सा और मांग रही थी। हाँ जी हाँ जी, इसमें रिजर्व लगे, देखते कितने का तेल बनता है इसमें। और ये देखिए मौसम के हालात, मौसम तो क्या मौसम ये है ना, दूर तो नहीं है राजस्थान। हाँ यार इसमें यहाँ ये सीन तो है, जब तूफान आते तो धूल ही धूल चारों ओर से। पर ये देखिए मौसम कितना प्यारा हुआ, और अभी हमारा सफर बचा है बहुत ज्यादा। और देखिए अभी हम राजस्थान में, लेकिन लग नहीं रहा ना आपको भाई, और हमारा वह भी दो रूप खोल चुका है, क्योंकि पहाड़ इंडिया में हर कोने में मिलेगा, यूपी बिहार जाओ वहाँ भी, राजस्थान जहाँ मर्जी जाओ पहाड़ मिलेंगे ही मिलेंगे। दिल्ली में स्पेशल पहाड़ कूड़े का पहाड़ वो तो भाई, वो तो देखिए इस पहाड़ को क्या क्या व्यू है भाई, है ना। अब तो हवा भी थोड़ी ना ठंडी होगी, मोटे बीच झील इस पहाड़ को। हाँ स्टील पहाड़ इस पहाड़ को, जो सीधा ही जाएगा। एक बात बता, वो कम था सब बजने चाहिए नहीं, जिंदगी में वो एक कम है। अरे यार जो टूट भी आ रहा है, यहाँ से दौड़ते हुए जाना और टकरा है, और इस पहाड़ को न तोड़ दे इस पहाड़ को। मैंने जिंदगी में यही नमूना है जिसने दुखी करके रखा है, और तू मत बन, अरे तेरे बदुओं से पीठ ही अकड़ गई है मेरे साथ। मोटे की बात है, तूने चीर दिया, चीर दिया मोटे ने, पाद मार के चिढ़ाया है पहाड़। पता नहीं चेकिंग की नहीं, ट्राई करेंगे। अरे बैठे बैठे, तो हमारी गाड़ी एक तो एचपी है ना, और एचपी गाड़ी यहाँ पे मिलना मतलब ऐसा है कि टास्क रेगिस्तान में पानी लगता है, या तो टास्क है फीम लेके जा रहे हैं या बंगले के आ रहे हैं रेगिस्तान में पानी ढूंढना। हाँ वही सच में यार, एक गाड़ी नहीं दिखी भाई, एक गाड़ी नहीं भाई, ऐसे होते भी है इनके एक्सीडेंट भाई, और लोड तो उतना है नहीं, पर ये घास उसमें वो होता है भूसा, उसमें बन गया। आगे रुके हुए अच्छी सी लोकेशन में, वहाँ बैठते 5-10 मिनट फिर करते अपना सफ़र। क्यों पैसे रुके थे 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा आराम करते हैं यहाँ पर जाके,
एक अच्छी सी लोकेशन मिली। और ये देखिए पहाड़ यार, राजस्थान में कहाँ मिलते ऐसे पहाड़, हम तो खुद देख रहे हैं आज पहली बार। चलो 5 मिनट ऊपर जाते हैं फिर इसके बाद निकलते हैं। चेक कीजिए लोकेशन, राजस्थान लग रहा है कहीं से राजस्थान भाई? बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं, मस्त है पहाड़ है ना, पहाड़ी अपना सफर 60 किलोमीटर दूर। और हाईवे में आपको इसमें एक फीचर से बहुत मदद मिल जाती है, तेल भी बचाएगा, ड्राइवर को नींद भी आएगी अच्छे से, हर चीज का फायदा है। और ये देखिए पूरा रोड खाली है, ड्राइवर कभी भी सो सकता है इसमें, फुल चांस है। जैसे ट्रक ट्रुक में आ जाए ना भाई, हादसे का मतलब 20% एक्स्ट्रा। हाँ भाई है, हर चीज की नशा तो कहना ऑन टॉप हो जाएगा। वैसे आज भी है, आज के जमाने में तो भाई नशा ऑन टॉप, मर्जी आप लोगों की भाई, जिस तरह जो करना है योर लाइफ और नहीं। कुछ कहते थे वो, कुछ कहती उनकी मिट्टी थी। छुटके घर से फोन आ चुका है और कुछ मंगाए जा रहे से घर से। ठीक है भाई, खत्म। इतनी बात होती भाई अब घर वालों से। जोधा भाई की तलवार, जोधा भाई की तलवार हो गई है, मिल जाएंगे तो ले आएंगे भाई। मैं अभी रुके यहाँ पे, खाना पैक करेंगे, खाना खाएंगे होटल जाके ही। और अभी खा रहे आइसक्रीम, और आइसक्रीम देखो जरा अलग ही सिस्टम है यहाँ का भाई, पर अच्छी है। और ये होटल है रामदेव बाबा का, अच्छी आइसक्रीम। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 में से तू तो हर चीज़ के लिए ना, खाने के आइटम के लिए। पहुँच चुके हैं अपने जोधपुर, और ये देखिए फाउंटेन, इसे स्वागत हो रहा है हमारा। अब हम होटल की तलाश, बस होटल मिल जाए यहाँ पे, मिल तो जाएगा ही वैसे, लेकिन थोड़ी तलाशी तो करनी ही पड़ेगी रूम सा यहाँ रुकते। चलो भाई रूम देखते हैं फिर हमारा इस होटल में। ये होटल का नाम यहाँ लगाते हैं, होटल में गाड़ी फिर निकलते हैं रूम के अंदर। निकाल दिया भाई, अब निकलते हैं होटल के अंदर, गाड़ी खरीद लो क्या मैं सामान भी अंदर। किसका बैग? मेरा है, मैं चेकता हूँ। चलो अपना रूम, अंधेर भरा, अंधेरा ही अंधेरा है हमारे रूम में तो। लेकिन आज बहुत बड़ी बात है कि मोटा ऊपर सोएगा और मोटे के साथ होएगा उसका वन एंड ऑल डी डी डी। बाकी अपना खाना खाते हैं और स्टार्ट करते हैं सिस्टम। क्यों भाई